नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट सर्किल रांची में आपका स्वागत है। और आज चूँकि जेपीएससी पीटी का एग्जामिनेशन हो चुका है और मुझे लगता है कि वर्तमान समय में सभी विद्यार्थियों को पीटी के तुरंत ही आंसर भी मिल जाते हैं और जेपीएससी भी आपको आंसर प्रोवाइड करेगी। तो पीटी जो कि हो चुका उस पर बात न करके आज बात करेंगे मेंस। और देखिए, मेंस के संदर्भ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेंस वही स्टूडेंट पास करता है जो कि आंसर राइटिंग जानता है, आंसर लिखना जानता है। और आंसर लिखना एक टेक्निकल वर्क है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर प्रश्न का आंसर लिखना है तो हमें नॉलेज होना चाहिए, कंटेंट हमारे पास होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि आंसर जब आप लिखने जाते हैं तो कैसे आंसर की शुरुआत करें, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, उसका बॉडी पार्ट कैसे लिखें और फिर कंक्लूजन कैसे लिखें, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और इसको सीखने की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स के रांची में हम लोग आपको जेपीएससी जो मेंस है उसके मेंस का पूरे विषय वस्तु के अध्यापन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण फोकस का बिंदु हम लोग रखेंगे कि हाउ टू राइट आंसर, आंसर कैसे लिखें, और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक सिंपल के रूप में आप देख सकते हैं कि जेपीएससी जो सेवेंथ जेपीएससी है उसमें क्वेश्चन सोशल साइंस जो पेपर है उसके इतिहास खंड के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा था जिसको आज हम देखने का प्रयास करेंगे इतिहास खंड के एक प्रश्न से। और प्रश्न का संदर्भ ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रभावशाली विशेषताओं का वर्णन करें। ध्यान से आप प्रश्न को देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रभावशाली विशेषताओं का वर्णन करें, के प्रभावशाली विशेषताओं का वर्णन करें। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, प्रभावशाली विशेषताओं का वर्णन करें। अब यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि जब आप क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के नेचर को देखते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लगता है। ऐसा लगता है कि कोई भी विद्यार्थी जिसने इतिहास से और ख़ास करके सिंधु घाटी सभ्यता को किसी भी बुक में पढ़ा होगा उसमें उसको सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब ये प्रश्न चूँकि हमारे जो प्रश्न हैं ये 40 मार्क्स का प्रश्न है, 40 नंबर का ये प्रश्न है और आपको लिखना है, तो अगर जेपीएससी के प्रश्नों का आंसर आप पे पूरा लिखने का प्रयास करते हैं तो आप देखिए कि फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल स्टडीज का जो पेपर, सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो कि तीसरा पत्र होता है, थर्ड पेपर होता है, उसमें एक सेक्शन में इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है और दूसरे सेक्शन में भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। और इतिहास से चार प्रश्न पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव, जिसमें दो का आंसर लिखना है। भूगोल में चार प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव, जिसमें फिर दो का क्वेश्चन लिखना है। यानी कुल मिला के चार सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है और 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इतिहास से आती है और 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भूगोल से आती है। कुल मिला के 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगी और 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव लिखनी है। 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होगी उसके लिए प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स निर्धारित है और 4 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है उसके लिए प्रत्येक के लिए 40-40 मार्क्स निर्धारित है। इस तरह से 200 मार्क्स का पेपर आपका होता है जीएस का, अदर जीएस के सेक्शन में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है ये कितना सिंपल है ना। और इसकी सिंप्लिसिटी के कारण क्या होता है कि अधिकांश विद्यार्थी समझते हैं कि प्रश्न को वो तो समझ रहे हैं, वो लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो तैयारी है जेपीएससी, ये राज्य प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और इसके
मेंस का कंपटीशन बहुत टफ होता है। और आप देखिए कि इसमें पूरे झारखंड के लोग तो शामिल होते हैं, झारखंड के बाहर के लोग भी शामिल होते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो दिल्ली से भी आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। चूँकि दिल्ली में अध्यापन के दौरान मैंने कई जेपीएससी के जो विद्यार्थी हैं जुड़े रहे, और सब में मैंने एक फाइंडिंग ये देखा कि क्वेश्चन लिखने में समस्या है। तो क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रभावशाली विशेषता का वर्णन करना है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की जो आंसर लिखेंगे उसका इंट्रोडक्शन यानी भूमिका लिखेंगे। और देखिए, भूमिका जब लिखने जाइएगा तो बहुत सोच समझ के भूमिका लिखना होता है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर की ये शुरुआत होती है, और अगर आपने शुरुआत अच्छा कर लिया तो एग्जामिनर को आप प्रभावित कर लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भूमिका की बात करते हैं तो हम इसमें क्या लिखेंगे। देखिए, बड़ा सिंपल मैं बता रहा हूँ कि आप सिंपली आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आद ऐतिहासिक नगरीय सभ्यता है जिसकी निरंतरता भारतीय संस्कृति में बाद के दिनों में देखने को मिलती है। यहाँ पर मैंने आपको तीन चीज़ों की बात की है इंट्रोडक्शन में। एक, यहाँ आद ऐतिहासिक है ना, ये प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है। दूसरा, प्रथम नगरीय सभ्यता है। और तीसरा, हमने बात किया इसकी निरंतरता की बात की, और ये इंट्रोडक्शन में हमने बात की, राइट। इंट्रोडक्शन के बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि इससे आंसर में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। तो जैसा कि हमने कहा कि पहला इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषता क्या है, प्रभावशाली विशेषता। इसकी पहला जो प्रभावशाली विशेषता है वो है कि ये एक आद ऐतिहासिक सभ्यता है, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है। तो जब आप इसके मेन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी जो मेन बॉडी पार्ट होगा इस क्वेश्चन का, उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आद ऐतिहासिक का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय प्रोटो हिस्टोरिक, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो देखो, आद ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सभ्यता जिसमें लेखन कला का साक्ष्य तो मिला है लेकिन वर्तमान में हम उसे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, हम अक्षम हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं उसको। तो इसको एक्सप्लेन करना है आपको, राइट, कि क्यों हम नहीं पढ़ सकते हैं। उसमें एक्सप्लेन करना है कि जो लिपि है उसका नेचर क्या था, चित्रलिपि। दूसरा क्या है कि लिपि जो है जिस रूप में मिल रही है उसी रूप में मिल रही है, उसमें कोई प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट नहीं दिखाई देती है। तीसरा क्या है कि वर्तमान में ऐसा कोई भी सोसाइटी नहीं है जो कि उस लिपि का उपयोग करता हो। आप देखेंगे कि अशोक के लिपि को हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अशोक के लिपि को इसलिए पढ़ा क्योंकि अशोक की जो लिपि है ब्रह्मी लिपि, उसमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट दिखाई देता है बाद के दिनों में। उसी ब्रह्मी लिपि से लेटर मौर्य पीरियड की ब्रह्मी लिपि डेवलप होती है, गुप्तकालीन ब्रह्मी लिपि डेवलप होती है, और गुप्तकाल के बाद जो है पूर्व मध्यकाल में देवनागरी लिपि का विकास उसी से हो जाता है, तो हम लोग उसके कारण भी पढ़ लेते हैं। और दूसरा है कि डबल स्क्रिप्ट भी अशोक के अभिलेखों के बारे में हमें मिला है। तो पहला पॉइंट तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी जो विशेषता आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है, राइट, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टिन और तांबा को मिलाकर कांस्य निर्माण की प्रौद्योगिकी से अवगत थे, लेकिन ये लौह धातु प्रौद्योगिकी से अवगत नहीं थे, और इस कारण से भी इसे प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद आप नगरीकरण का जो प्रमाण है सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे कि यह
भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। तो इसके जो नगरीकरण की विशेषता है, उस नगरीकरण की विशेषता को भी आप लिखेंगे, और नगरीकरण की जो विशेषता है उस विशेषता के अंतर्गत, नगरीकरण की विशेषता के अंतर्गत आप लिखेंगे कि नियोजित नगर नियोजन इस काल की नगरीकरण की विशेषता है। आप नगरीकरण को एक्सप्लेन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो नियोजित थे। नियोजित का मतलब होता है कि पूर्व में ही उनका प्लान बना लिया गया, उसकी अकॉर्डिंग संरचनाओं का निर्माण किया गया, और जब पूरी संरचना तैयार हो गई तब जनसंख्या वहाँ निवास करने जाती है। दूसरा कि ये जो नगरीकरण है ये ग्रीड प्रणाली पर है, ग्रीड प्रणाली इसकी खास विशेषता है। तो आप ग्रीड प्रणाली को भी एक्सप्लेन करेंगे, और हो सके तो आप डायग्राम बना दें कि ये जो नगर है, ये नगर में जो मुख्य सड़क है एक दूसरे को समकोण पर काटती है, और इसलिए ये नगर चार प्रमुख ग्रीड में बढ़ जाती है, चार प्रमुख चौकोर आकार में बढ़ जाती है। और फिर आप बिल्डिंग वगैरह की बात करेंगे, इसके साथ साथ आप बात करेंगे कि जो नगर है ये दो भाग में आमतौर पर विभाजित है, एक जो कि दुर्ग क्षेत्र है और दूसरा जो कि नगर क्षेत्र कहते हैं। दुर्ग क्षेत्र में जो कुछ भी निर्माण है वो ऊंचे चबूतरे पर किया गया, उसका दुर्गीकरण किया गया है, जहाँ पर समाज के अभिजात वर्ग के लोग निवास करते हैं, जहाँ पर सार्वजनिक जो भवन है वो भी मिलते हैं, और नगर क्षेत्र या लोअर सिटी जो आम जनों का निवास मिलता है, जहाँ पर ग्रीड प्रणाली को और व्यवस्थित ढंग से लागू किया गया। इसके अलावा अगर नगर नियोजन की बात करते हैं तो कुछ प्रमुख सार्वजनिक भवन जो है, जैसे अनागार हो, बृहद अस्तनागार हो, उसकी चर्चा कर देंगे, उसका उल्लेख कर देंगे। और फिर भवनों के निर्माण के जो तरीके हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि भवनों का निर्माण पक्की ईंट से किया गया है, ईंट को जोड़ने के लिए मिट्टी के गिलवा का उपयोग किया जाता है, ईंट की जुड़ाई इंग्लिश बॉन्ड टेक्निक के आधार पर किया जाता है, इसके साथ साथ जल निकासी प्रणाली की भी व्यवस्था की अब बात करेंगे। और इस तरह से कुछ कंटेंट आपको नगर नियोजन की विशेषताओं के संदर्भ में रहेगा। दूसरा, जब नगर नियोजन की विशेषता को आप लिख लेंगे तो फिर आप एक महत्वपूर्ण पहलू है कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अनेकता में एकता एकता में अनेकता की अवधारणा हमें यहाँ से दिखाई देती है। और यहाँ से जो दिखाई देती है तो इस पॉइंट के अंतर्गत आप कई चीज़ों को लिखेंगे। जैसे अगर हम सिंधु घाटी के भूगोल को देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार देखें, उसमें भी विविधता दिखाई देती है, क्योंकि एक तो कुछ स्थल अफगानिस्तान में मिलते हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्र हैं, पाकिस्तान के स्थलों को देखेंगे तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में जो स्थल मिलता है वो पठारी क्षेत्र है, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध क्षेत्र में जो स्थल मिलता है वो मैदानी क्षेत्र है, और कुछ समुद्र तटवर्ती क्षेत्र भी है, जैसे सुतका गेंडोर, सुतका को बालाकोट जो है समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है। उसी तरह से जब भारत में अब प्रवेश करेंगे तो भारत में जम्मू कश्मीर में पर्वतीय क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश ये मैदानी इलाका है, गुजरात में आप जाएंगे तो गुजरात में और ख़ास करके राजस्थान में, जो राजस्थान में आपको मिलता है एक महत्वपूर्ण साइट है कालीबंगा, जो मरुस्थल के करीब भी है, और फिर गुजरात में लोथल समुद्र तटवर्ती साइट है, और धौलावीरा गुजरात के रण के कच्छ में है, वहाँ का भी इन्वायरमेंट ऐसा है कि मरुभूमि के वो करीब है। तो भौगोलिक विशेषताओं में भी डिफरेंसेस दिखाई देता है, लेकिन इन डिफरेंसेस के बावजूद ये जिस संस्कृति का विकास करते हैं उसमें एकता दिखाई देता है। फिर प्रजातीय आधार पर अगर आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो प्रजातीय दृष्टिकोण से चार प्रमुख प्रजातियों में विभाजित हैं, जिसमें हमारा भूमध्य सागरीय है,
प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड है, अल्पाइन है और मंगोलॉयड है। तो अलग अलग प्रजाति से बिलोंग करने के बावजूद भी संस्कृति में एक रूपता है। इसी तरह से अगर धार्मिक आधार पर आप देखें तो धर्म के आधार पर भी इनमें विविधता दिखाई देती है। ये बहुदेवादी हैं, प्रकृति पूजक हैं, ये माती देवी की पूजा करते हैं, पशुपति की पूजा करते हैं, लिंग योनि की पूजा करते हैं। यज्ञ कुंड का साक्ष्य भी लोथल और कालीबंगा से मिला है। जल के प्रति पवित्रता की भावना भी इनमें दिखाई देती है। और मृतक संस्कार जो आप देखेंगे, वो मृतक संस्कार भी बताता है कि इनमें विविधता थी धार्मिक आधार पर। क्योंकि आप देखेंगे कि एक धर्म के लोगों का मृतक संस्कार एक ही तरह से होता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में तीन तरह के मृतक संस्कार दिखाई देते हैं, पूर्ण शवदान, आंशिक शवदान और दाह कर्म। तो इसके आधार पर भी आप विविधता दिखाएंगे और फिर आप बताएंगे कि इसके बावजूद भी इनके संस्कृति में एक रूपता थी। सामाजिक रूप से भी आप देखेंगे कि समाज तीन वर्गों में विभाजित है, अभिजात वर्ग और जनसमान वर्ग। और हड़प्पा से मजदूरों के आवास के भी प्रमाण मिलते हैं, जिससे एक मजदूर वर्ग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था जो कि इनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी समृद्ध है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन और उत्कृष्ट वाणिज्य व्यापार का विकास के साथ साथ शिल्प उद्योग का भी विकास होता है, टेक्नोलॉजिकल विकास भी आप दिखाने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के आप देखें कि इन सारी विशेषताओं को लिखने के बाद लास्टली निष्कर्ष जब आप लिखेंगे, तो निष्कर्ष में ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय संस्कृति के आधार का निर्माण करती है। और ये भारतीय संस्कृति के आधार का निर्माण करती है तो इसकी निरंतरता बाद के दिनों में दिखाई देती है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में जिस हिंदू धर्म में परंपरा की बात करते हैं, उसके प्रथम अभिव्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता से दिखाई देती, तो एक तो उसकी निरंतरता तो दिखाई देती ही है, दूसरी इसके नगर नियोजन की निरंतरता भी दिखाई देती है। और इस तरह से आप जब क्वेश्चन को लिखेंगे तो तब जाकर के आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करके हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि हाउ टू राइट आंसर, और स्टूडेंट सर्किल एक हाउ टू राइट आंसर कैसे लिखें, इसके लिए भी हम एक आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। धन्यवाद।